जो लोग मोमिन मर्द और औरतों को फितने में डालते हैं, सुम्मा लम यतूबू, और उसके बाद तौबा नहीं करते, फलहुम अजाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अजाब है, वलहुम अजाबुल हरीक, और उनके लिए एक भड़कती आग का अजाब है। अल्लाह ताला यहाँ पे इस आयत में जो वीक बिलीवर्स हैं उनसे भी खिताब कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं उनसे भी खिताब कर रहे हैं, और जो डिसबिलीवर्स हैं उनसे भी खिताब कर रहे हैं। सारे कान खोल के सुन लें कि अब क्या होगा। अच्छा, हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ कि मोमिन मर्द और औरतों को फितने में कैसे डाला जाता है, कि जब एक शौहर अपनी बीवी को फितने में डाल रहा होता है, बीवी उसकी मुसलमान है, उसे कहता है हिजाब उतार दो, हिजाब उतार दो, नहीं करना तुमने हिजाब, किया तो मैं मारूंगा तुम्हें, खबरदार जो तुमने ऐसा किया। ये अपनी बीवी को फितने में डाल रहा है, या हो सकता है बीवी शौहर को फितने में डाल रही है। कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे घर चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, चाहे आप सूद लें, चाहे आप बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे घर चाहिए, आप चाहे कोई करप्शन करें, आप चाहे किसी को लूटे, वो मेरा घर, मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस घर नया चाहिए या फलां चीज नहीं चाहिए। तो फिर शोहर जो है वो अब करप्शन में लग रहा है, सूद में जा रहा है, ये क्या कर रही है? अपने शोहर को फितने में डाल दिया। या फिर एक बाप जो है वो अपने बच्चे को फितने में डाल रहा है, उसका बच्चा दीन की तरफ आ रहा है और वो उसे कह रहा है कि भाई तू टेररिस्ट हो गया, तू फलां हो गया। या एक माँ अपनी अपनी बेटी को फितने में डाल सकती है, इसी तरह की बातें क्या कि तो मासी लग रही हो, क्यों तुमने हिजाब शुरू कर दिया, ऐसा क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके ईमान को खराब करने के लिए। या फिर आपके फैमिली मेंबर्स आपको फितने में डाल रहे हो, ये क्या कि भाई फलां का मेहंदी का फंक्शन है, उस पर आप शादी पे आए, आप डांस करें, आप ये करें, वो करें, और आप ना करें तो वो आपको बैकवर्ड्स भी कह रहे हैं, ये भी सब कुछ कह रहे हैं। सो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि इनको अजाब जहन्नम तो होगा, और ये लोग जो है ये नहीं कि इनको जलाया जाएगा, बल्कि ये खुद जलने वाली चीज होंगे, ये खुद वो ईंधन होंगे जिसकी वजह से आग भड़केगी। अगर एक इंसान टिश्यू पेपर को आग लगाता है, ठीक है, ये टिश्यू पेपर को जला देता है, वो जल के राख हो गया, लेकिन पेट्रोल को जलाना और चीज है। पेट्रोल को जब आप जलाएंगे ना तो पूरे पेट्रोल को आग लग जाती है और वो आग भड़कती रहती है। अल्लाह सुब्हान तआला ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इनको जलाया जाएगा, नहीं नहीं नहीं, जलाना तो और लोगों के लिए था, जलाना तो पनिशमेंट किसी और के लिए थी, इनको तो भड़काया जाएगा, इनको तो ईंधन बनाया जाएगा। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि उस आग से डरो जिसका ईंधन जो है वो पत्थर और इंसान होंगे। सो अल्लाह सुब्हान तआला ने ये डबल अजाब कहा है, अल्लाह का गजब आ रहा है, शायद अल्लाह का गजब आ रहा है कि उन लोगों के साथ वो सुलूक होगा जिन्होंने मोमिनीन मर्द और औरतों के साथ जुल्म किया था। और यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा लम यतूबू, और उसके बाद तौबा नहीं करते, यानी कि अगर तौबा कर लेते तो फिर ये अजाब ना होता। अल्लाह ताला उनके लिए भी तौबा के दरवाजे खोल रहा है जो मोमिनीन मर्दों और औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, हत्ता कि उनको कत्ल कर देते हैं।